Hello students, myself Rashmi Tripathi, Assistant Professor, B.A. Department, RKG Educational College, Lucknow. आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज के टाइम के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है कि उसे शिक्षा का अंश बनाना बहुत जरूरी हो गया है. और इसी उसकी उपयोगिता को देखते हुए बीए सेमेस्टर 1 के करिकुलम में भी टेक्नोलॉजी को एज ए थर्ड पेपर स्थान दिया गया है. तो आइए देखते हैं. पेपर 3, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य. शिक्षा अपने आप में एक स्वतंत्र डिसिप्लिन है, लेकिन आज की समय की उपयोगिता को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए, टेक्नोलॉजी से रहित शिक्षा की हम कल्पना नहीं कर सकते. इस COVID-19 की महामारी को जैसे हम लोग फेस कर रहे हैं, इस टाइम पे टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा सहारा बनकर हमारे सामने आया है. और उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है और हर स्तर की शिक्षा को बच्चों तक, छात्रों तक पहुंचाया जा रहा है. तो इसीलिए इस पेपर को एज ए थर्ड पेपर बीएड सेमेस्टर 1 में शामिल किया गया है. अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 में किन किन टॉपिक और जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात आती है टेक्नोलॉजी की और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस की, अर्थात शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है, उसका नेचर या प्रकृति कैसी है, स्कोप या क्षेत्र कितना व्यापक है और उसकी प्रासंगिकता क्या है हमारे जीवन में, हमारी शिक्षा में, हमारे समाज में और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में. फिर हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, अर्थात शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है. तो शैक्षिक तकनीकी जो शब्द है उसका अंग्रेजी रूपांतरण है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो शब्द है वो देखा जाए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक एजुकेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी. जैसा कि हम स्लाइड में देख रहे हैं, एजुकेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एडुकेटम. इट मींस आर्ट ऑफ टीचिंग, अर्थात शिक्षण की कला, पढ़ाने की कला. और टेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेक्निकोस, जिसका अर्थ है स्टडी ऑफ एन आर्ट और अ स्किल, अर्थात किसी कौशल का अध्ययन. प्राचीन काल से हम ये मानते आए हैं कि शिक्षण एक कला है और एक ऐसी कला है जो इनबॉर्न होती है, जन्मजात कला है जिसको हम विकसित नहीं कर सकते. तो ये तो इसका पारंपरिक अर्थ हो जाता है. लेकिन जब टेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ जुड़ जाती है तब शिक्षा एक ऐसी कला मात्र नहीं रह जाती है जो जन्मजात है, वरन उसको टेक्नोलॉजी की सहायता से, तकनीकी की सहायता से हम और ज़्यादा कौशल के रूप में किसी में भी इस कला का विकास कर सकते हैं. तो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं संयुक्त रूप से तो वो होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का शाब्दिक अर्थ पढ़ाने की कला का अध्ययन. मतलब जब तक टेक्नोलॉजी शिक्षा के साथ नहीं जुड़ी थी तब तक शिक्षा एक ऐसी कला थी जो जन्मजात थी, जिसको हम बाहर से नहीं सिखा सकते थे. लेकिन टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद शिक्षण एक ऐसी कला हो गई है जिसको कौशल के रूप में किसी में भी विकसित किया जा सकता है. अब हम लोग आते हैं टेक्नोलॉजी के 5 M's की बात करते हैं. वो फील्ड चाहे एजुकेशन की हो या फिर किसी भी प्रोफेशनल लाइफ की हम बात करें, किसी प्रोफेशन की हम बात करें जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. आज के समय में तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें तकनीकी का प्रयोग ना हो रहा हो या जो तकनीकी से अछूता है. तो उन सभी क्षेत्रों में ये जो 5 M's हैं जिसको हम स्लाइड में देख सकते हैं,
ये 5M तकनीकी के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, उसके व्यापक रूप को स्पष्ट करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हम स्लाइड में देख रहे हैं, सबसे पहले आता है मशीन। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मशीन सबसे पहले, क्योंकि मशीन के द्वारा हम काम को सरल बना सकते हैं, सिस्टमैटिक बना सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं और ज़्यादा कौशलपूर्ण और रुचिपूर्ण बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है मशीन। फिर मशीन में काम करने के लिए कुछ मटेरियल होना चाहिए, कोई कंटेंट होना चाहिए, तो सामग्री की बात आती है। थर्ड है मीडिया, किस विधि द्वारा हम उस कंटेंट को किस तक दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो वो मीडिया, और वो कौन सा स्रोत होगा जिसके द्वारा इस सामग्री को किसी माध्यम से पहुंचाया जाएगा, तो वो है इंसान, व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग, मैन। और लास्ट है मेथड, किसी भी विषय वस्तु को किसी उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमें एक विधि की आवश्यकता होती है, एक उपयुक्त विधि, अप्रोप्रिएट मेथड। और जब तक टीचर हो या कोई प्रोफेशनल हो, उस करेक्ट मेथड या अप्रोप्रिएट मेथड का चुनाव नहीं कर सकता, तब तक ऊपर की चारों चीज़ों के होने के बावजूद हम उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में सफल नहीं हो सकते हैं। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी इन 5M की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि अन्य किसी भी क्षेत्र में है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अर्थात शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं दी हैं। किसी ने तकनीकी के किसी एक क्षेत्र को परिभाषित किया है, तो किसी ने दूसरे क्षेत्र को परिभाषित किया है। लेकिन GOM लीथ के अनुसार जो परिभाषा हम स्लाइड में देख रहे हैं, ये अपने आप में एक कंप्लीट डेफिनेशन कही जा सकती है। GOM लीथ कहते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट टीचिंग लर्निंग एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अर्थात शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में और अधिगम की दशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग है, और ऐसा वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग है जो प्रशिक्षण और शिक्षण की कुशलता को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, मतलब और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद आई के डेविस ने एक परिभाषा दी है, वो भी अपने आप में काफ़ी परिपूर्ण कही जा सकती है, और जितने भी क्षेत्र हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, उन सबको कवर करती है। तो आई के डेविस कहते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग। अर्थात एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की समस्याओं से भी संबंधित है, अर्थात वो शिक्षा की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर भी काम करती है, और उसको एक ऐसे डिसिप्लिन के तौर पर, एक ऐसे अनुशासन के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है जो अधिगम के संसाधनों को क्रमबद्ध रूप से संगठित करती है, मतलब एक क्रमबद्ध रूप से संगठित करने के उपागम के रूप में, एक अप्रोच के रूप में हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को जान सकते हैं। तो कंबाइंडली अगर हम इन दोनों परिभाषाओं का कंक्लूजन निकालें, तो वो ये बनता है कि शैक्षिक तकनीकी किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी विषय का, किसी ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। जब हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं या वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग हो जाता है। इसके साथ साथ जो शैक्षिक तकनीकी है, वो शिक्षा की समस्याओं को भी डील करती है, और एक व्यवस्थित संगठन के रूप में चीज़ों को सामने लाती है। एक ऐसा उपागम है जो संगठित रूप में छात्रों के सामने विषय वस्तु को प्रस्तुत करती है। अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, कि शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति कैसी है। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू एजुकेशन। शिक्षा में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है।
मैंने पहले भी बताया है कि जब हम तकनीकी की बात करते हैं तो उसमें मशीनों, वैज्ञानिक ज्ञान, क्रमबद्ध अध्ययन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हो जाती हैं। जिस भी चीज़ का अध्ययन हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो उसको हम वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहली दशा तो यही है कि वैज्ञानिक ज्ञान का जब हम अनुप्रयोग करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, और यही उसकी प्रकृति है, वैज्ञानिक है प्रकृति। दूसरा है, इट स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैथड्स एंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, अर्थात ये शिक्षण अधिगम को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए काम करती है और ऐसे विधियों और तकनीकियों का विकास करने पर जोर देती है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुगम और रुचिपूर्ण बना सके। थर्ड पॉइंट है, इट एम्फेसाइजेस द डिज़ाइनिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टेस्टिंग लर्निंग आउटकम्स। शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ पढ़ाना यहीं तक सीमित नहीं होती है बात, बल्कि उसके आगे उसका मूल्यांकन भी आता है कि जो भी शिक्षक ने सिखाया है या बच्चों ने सीखा है, किस हद तक सीखा है, इसको जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक ना तो शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में कुछ सुधार कर सकता है और ना ही बच्चों में कोई सुधार आएगा। तो इसलिए लर्निंग आउटकम्स के लिए, उसके परीक्षण के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट तैयार करना, इस पर भी स्ट्रेस करती है, इस पर भी काम करती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अर्थात एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की प्रकृति वैज्ञानिक होने की वजह से उसके बहुत सारे आयाम बढ़ जाते हैं कि वो और भी चीज़ों पर काम करती है, ना सिर्फ पढ़ाना, ना सिर्फ पढ़ाने की कला का विकास करना, वरन उसके क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को जानना, उनका निदान करना और उन समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाना ताकि उन समस्याओं को दूर करते हुए उसे और ज़्यादा कौशलपूर्ण बनाया जा सके। फिर हम लोग आते हैं, ईटी इन्वॉल्व्स इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस आस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के तीन आयाम हैं बेसिकली, अगर हम बात करें, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। इनपुट अदा, प्रोसेस प्रक्रिया और आउटपुट प्रदा। इनपुट अदा का मतलब ये है कि जो भी, अगर हम शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्लासरूम टीचिंग में जो भी चीज़ें बाहर आती हैं, मतलब प्रोसेस के पहले का जो प्रोसीजर है वो इनपुट में आता है। टीचर की प्रिपरेशन, कंटेंट का डिसीजन, मेथड का डिसीजन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद प्रोसेस में क्लासरूम टीचिंग, जो कुछ भी टीचर पढ़ाता है क्लास के दौरान, जो भी मैथडोलॉजी अपनाता है, जैसे करता है, वो सारी चीज़ें प्रोसेस में आ जाती हैं। और फिर आउटपुट में कि मूल्यांकन की प्रक्रिया, उसके लिए वो कौन कौन सी विधियाँ अपनाता है, छात्रों ने कितना सीखा और शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है उसमें से, तो वो सब आउटपुट में आता है। तो अगर हम शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति की बात करें तो वो पूर्णतया वैज्ञानिक है, और चूँकि जैसे कि हमने अर्थ में जाना कि वो एक कौशल का अध्ययन बताता है, तो अपने आप में कला भी है प्रकृति। और इसके अलावा वो शिक्षा के जितने आयाम हैं उन पर भी ध्यान देती है, शिक्षा की समस्याओं पर भी ध्यान देती है, ऐसे मेथड्स और टेक्निक को इन्वेंट करना चाहती है जिससे शिक्षण प्रक्रिया को, अधिगम प्रक्रिया को और प्रशिक्षण को और ज़्यादा कौशलपूर्ण बनाया जा सके। आगे चलते हैं, और इस श्रृंखला में हम लोग बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, अर्थात शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र कितना है, कहाँ तक विस्तृत है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो वैसे तो बहुत व्यापक क्षेत्र है, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो शायद एक छोटे से बच्चे से लेकर के वयस्क और फिर वृद्ध तक का जीवन तकनीकी से जुड़ा हुआ है। बिना तकनीकी के आप सांस भी नहीं ले सकते आज के जनजीवन में, तो इतना ज़्यादा दैनिक जीवन प्रभावित है। तो कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है तकनीकी से, लेकिन फिर भी हम पढ़ने की दृष्टिकोण से इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात शैक्षिक प्रशासन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम शिक्षा से जुड़े हुए प्रशासनिक चीज़ें जो हैं उसमें तकनीकी के प्रयोग पर जोर देते हैं, और यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऐसे मॉडल्स को डेवलप करने का काम करती है जिससे शैक्षिक प्रशासन को सुगम, रुचिपूर्ण और लोगों के लिए उपयोगी बनाया जा सके। फिर हम आते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में।
इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में ये जो प्रोसेस वाली प्रक्रिया है, जैसे अभी हम लोगों ने इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट पढ़ा, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इनपुट के अंतर्गत आ जाएगा। इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में हम प्रोसेस वाली डोमेन की बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में वो सारी क्लासरूम एक्टिविटीज़ और उनको मॉडिफाई करना, उनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना, इंस्ट्रक्शन के लिए और कौन कौन से नए मॉडल्स, कौन कौन से नए तरीके हो सकते हैं, जैसे आज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये कुछ नई चीज़ें आई थी टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जिससे हम बच्चे को उसकी गति से, उसकी रुचि के हिसाब से सीखने का मौका दे सकते हैं। एक जो पारंपरिक शिक्षण प्रक्रिया थी, उससे हट करके कुछ नया तरीके से बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और थर्ड है एजुकेशनल टेस्टिंग, जिसको हम आउटपुट डायमेंशन के अंतर्गत रख सकते हैं, कि शैक्षिक परीक्षण के लिए भी हम शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करते हैं। अब एक पारंपरिक व्यवस्था नहीं रह गई है परीक्षण की, कि मौखिक तरीके से ही हम या लिखित रूप से बस एक निबंधात्मक उत्तर के रूप में ही हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, वरन उस बहुत सारी ऐसी नई टेक्निक्स आ चुकी हैं और आगे भी आती रहेंगी, जिससे हम मूल्यांकन प्रक्रिया को, परीक्षण को और ज़्यादा सुगम, सरल और उपयोगी बना सकते हैं। और एक ऐसी मूल्यांकन व्यवस्था अपनाई जा सकती है जिससे ना सिर्फ छात्रों का कि उन्होंने कितना सीखा, वरन शिक्षक ने वाकई कितना सिखाया है, इसका भी मूल्यांकन किया जा सकता है। आगे चलते हैं और स्कोप से ही जुड़े कुछ और भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिनकी बात हम लोग करते हैं। इसमें पहला बिंदु है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा है मल्टीमीडिया अप्रोच टू टीचिंग। अभी तक शिक्षण में सिर्फ वही पारंपरिक तरीके ही थे, लेकिन अब मल्टीमीडिया, जितनी भी मीडिया है, उन सब का प्रयोग हम पढ़ाने में करते हैं, तो वो अप्रोच भी टेक्नोलॉजी के स्कोप के अंतर्गत आती है, उस अप्रोच का यूज़ करना। थर्ड है लर्निंग थेरीज, अधिगम सिद्धांतों को भी हम उसके स्कोप में शामिल करते हैं, क्योंकि लर्निंग थेरीज सिर्फ साइकोलॉजी का विषय नहीं है। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हम शिक्षा को, या जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसको सुगम और रुचिपूर्ण बनाने की बात करते हैं। और सुगम और रुचिपूर्ण बनाने के लिए हमको थोड़ा बहुत साइकोलॉजी जाननी ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी और उसकी नीड क्या है, उसके लिए मेथड कैसा अच्छा होगा, जब हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तभी हम अच्छी टेक्निक्स और अच्छे इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर पाएंगे। तो लर्निंग थेरीज भी उसके स्कोप के अंतर्गत आती हैं। फिर इसी में, अभी जैसे हमने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात करी, तो प्रोग्राम लर्निंग एक विधि है, एक मेथड है, इंस्ट्रक्शन का एक तरीका है, जिसके थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच कहीं ना कहीं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को, ये सिस्टम अप्रोच का स्कोप हो जाता है, या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सिस्टम अप्रोच की फील्ड में आता है। फिर नेक्स्ट है टीचिंग मॉडल्स। अब ऐसे बहुत सारे टीचिंग मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं, या बहुत समय से हुए, जिनके माध्यम से या जिनका उपयोग करके शिक्षक अपने अलग अलग विषय वस्तु को अलग अलग तरीके से प्रभावी ढंग से पढ़ा सकता है, और बच्चा उनको सीखने के लिए तत्पर रह सकता है। क्योंकि एक ही तरीके से पढ़ाते रहने से क्लास में जो मोनोटोनी क्रिएट होती है, वो कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करती है। तो उससे बचने के लिए डिफरेंट टीचिंग मॉडल्स का यूज़ करना चाहिए, और कहीं ना कहीं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो अभी तक मॉडल्स डेवलप हुए हैं, उसके अलावा रोज़ कुछ ना कुछ नया विकसित कर रही है। नेक्स्ट है साइबरनेटिक्स, जिसको हम पृष्ठपोषण सिद्धांत भी कहते हैं, मतलब जिसमें कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स पे बात की जाती है, कि कैसे एक स्किल कैसे ये डेवलप किया जाए। तो ये साइबरनेटिक्स बहुत लेटेस्ट जो चीज़ें हैं, जो शामिल हो रही हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जो ना अब सिर्फ तकनीकी मशीनों तक नहीं सीमित रह गई, मशीनें ही मतलब नहीं है, बल्कि साइबरनेटिक्स जैसी चीज़ें जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन को और ज़्यादा कैसे अच्छा कर सकते हैं, या उसके सिद्धांतों का, या जो पृष्ठपोषण है वो हमको तुरंत कैसे मिल सकता है, इन सब विषयों के बारे में हम जानते हैं। तो उसको भी अब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में शामिल किया जा रहा है।
फिर हम लोग आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, अर्थात शैक्षिक तकनीकी की प्रासंगिकता क्या है, क्यों हम तकनीकी को या शैक्षिक तकनीकी को पढ़ रहे हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हमारा जो दैनिक जीवन है वो तकनीकी से जुड़ा हुआ है, तो शिक्षा कैसे अछूती रह सकती है। फिर भी अगर हम उनको बिंदुओं में दर्शाना चाहें या बात करना चाहें तो वो कुछ बिंदु इस तरीके से हैं। पहला है अटेंशन कंपेलर। टेक्नोलॉजी जो है वो अटेंशन कंपेलर का काम करती है, ध्यान केंद्रण करने का काम करती है। नॉर्मल क्लासरूम में होता है कि बच्चे का मन भटक सकता है, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी के यूज़ से डिफरेंट मशीन का प्रयोग करते हुए पढ़ाते हैं तो क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि उसमें हम कुछ पिक्चर्स भी दिखा रहे होते हैं, कुछ हो सकता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी चलती हुई पिक्चर्स के, मूविंग पिक्चर्स के रूप में दिखती रहें, तो वो बच्चे का कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करती हैं। और नेक्स्ट है मोटिवेटिंग फोर्स, वो एक अभिप्रेरित बल के रूप में काम करता है, मतलब बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन या जो पढ़ाई चल रही है क्लास में, जो भी टीचर टॉट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा का रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट है रिड्यूस वर्बलिज्म एंड मोनोटोनस टीचिंग। शिक्षण की जो वर्बलिज्म है, मौखिकता है, उसको कम करती है, और जहाँ ये मौखिक रूप ख़त्म होता है तो क्लास में जो मोनोटोनी है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अगर सिर्फ टीचर टीचर बोलता जाएगा तो वर्बलिज्म को बढ़ावा मिलेगा और मोनोटोनस भी होगा क्लास। लेकिन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाएंगे, बच्चा देख भी रहा है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो क्लास में फिर नीरसता नहीं बनती। नेक्स्ट है हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग कंसेप्ट। टेक्नोलॉजी कंसेप्ट्स को क्लियर करने में और ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि अगर हम सिर्फ बोल के पढ़ा रहे हैं तो हम मौखिक रूप से ही संप्रत्यय का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अगर उस संप्रत्यय को हम कॉन्क्रीट फॉर्म में बच्चे के सामने रखें, किसी तरह से दिखा सकें, तो उसको और ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि उसमें फिर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियाँ इन्वॉल्व होंगी। फिर नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। शैक्षिक तकनीकी इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि हम उसको एक प्रत्यक्ष अनुभव के विकल्प के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डे टू डे क्लास में हम बच्चों को रियल एक्सपीरियंस नहीं करा सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उनको उसका सब्स्टिट्यूट ज़रूर दे सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टर के थ्रू अगर हम हिस्ट्री में स्थापत्य पढ़ा रहे हैं, मुगलकालीन स्थापत्य, और उसकी बारीकियाँ हमको समझानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को एक्सकर्जन के थ्रू ले जाएं ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में जहाँ पे हम स्थापत्य की बारीकियाँ दिखा सकें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा संभव हो। तो हम उसकी पिक्स को हम एनलार्ज करके प्रोजेक्टर में दिखा सकते हैं, और जो भी इंडो इस्लामिक स्कल्पचर की विशेषताएँ रही हैं वो हम बारीकियों से बच्चों को समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। सबसे बड़ी शर्त हो जाती है जब हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो किसी भी ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन। तो जब हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो अपने आप ही हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। तो इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि एक किसी भी चीज़ को मान लेना उस तरीके का अध्ययन नहीं, वरन तार्किक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण शैक्षिक तकनीकी छात्रों और शिक्षक दोनों में पैदा करती है। फिर समरी फॉर्म में अब हम देखें कि आज हम लोगों ने किन किन बिंदुओं पे अध्ययन किया, तो वो मुख्यतः 6 बिंदु हैं। सबसे पहले एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इटिमोलॉजिकल मीनिंग अर्थात शाब्दिक अर्थ, फिर 5 M's ऑफ ET, देन डेफिनेशंस ऑफ ET अर्थात परिभाषाएं, फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ ET, शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति कैसी है, और फिर है स्कोप ऑफ ET अर्थात शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र कितना व्यापक है, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ET अर्थात शैक्षिक तकनीकी की प्रासंगिकता क्या है। तो ये 6 बिंदु थे जिस पर हम लोगों ने आज बात करी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।